तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक वंस अगेन इन एचक्यू गेमिंग स्टूडियोज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल लेकर आ रहा हूं आप सबकी खिदमत में। बेसिकली कल रात को एक भाई का कमेंट आया था कि भाई आप ये बता दो कि एनिमेटेड ओवरले कैसे बनाते हैं, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो मैं उनके रिक्वेस्ट के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस इसी तरीके से आप लोग अपनी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मुझसे अपना जो है ओपिनियन शेयर कर सकते हैं मुझसे, मतलब अगर आप लोग सपोज थंबनेल बनाना सीखना चाहते हो तो वो भी आप लोग दोस्तों के लिए मैं ट्यूटोरियल ला दूंगा। बट नॉट वरी, ये मैं पीसी की स्क्रीन पर करूंगा, बट आप लोग कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों के पास मोबाइल है तो आप लोग ये काम मोबाइल पर भी कर सकते हो। बेसिकली दिस इज़ ए वेबसाइट जहां से आप लोग ये वाला एनिमेटेड ओवरले बना सकते हो। बेसिकली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बार देखा होगा कई सारे यूट्यूबर्स की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान या फिर वीडियोज़ के दौरान कि जो नीचे एक एनिमेटेड ओवरले चल रहा होता है अच्छी, ठीक है, गिफ फॉर्म में, तो वो गिफ फॉर्मेट में होता है, GIF फॉर्मेट में होता है। तो आज हम लोग वही बनाना सीखने वाले हैं। बेसिकली वो वीडियो को या लाइव स्ट्रीमिंग को अलग ही लुक देता है, मतलब बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो गाइस क्या करना है, आप लोगों ने गूगल क्रोम पर चले जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा, मतलब वीडियोस की शक्ल में मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके फॉरएवर काम की है, तो आप लोगों ने बस इसको एंड तक देख लेना है। तो अगर पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। तो सबसे पहले गूगल क्रोम पर आने के बाद आप लोगों ने लिखना है KAP WING कैप विंग लिखना है एंड एंटर कर देना है। ये काम मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप लोग अपने जो है ना एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर भी कर सकते हो, आईफोन के अंदर मोबाइल के ऊपर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने पहला लिंक आ जाएगा, कैप विंग वाला ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप लोगों ने कर लेना है ओपन, ठीक है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, साइन अप कर लेना है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी साइन अप है, यहाँ पे आप लोगों के सामने गेट स्टार्टेड फॉर फ्री आ जाएगा, तो आप लोगों ने क्लिक करके साइन अप हो जाना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना पड़ा है, कुछ प्रोजेक्ट बने पड़े हैं, तो इनको मैंने कर रहा, मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है आप लोगों ने, यहाँ पे वीडियोस का ऑप्शन दिखा जाएगा। तो यहाँ पे वीडियोस के ऑप्शन पे आने के बाद आप लोग अपनी कैटेगरी की वीडियो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी कैटेगरीज की वीडियो हैं, जैसा कि मेरे को लाइक स्मोक वाली वीडियो चाहिए, तो मैं ये करता हूँ स्मोक, ठीक है, SMOKE, मैं यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देन आप लोग ये देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा आ चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करने से पहले हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 16:9 रेशो सेलेक्ट कर लेना है, यह देख सकते हैं। अब यहाँ से हमने वीडियो उठा लेनी है अपनी, सेलेक्ट कर लेनी है, क्लिक करना है वीडियो के ऊपर एंड हमारी वीडियो यहाँ पे बस आने वाली है, थोड़ी देर तक वेट करते हैं हम लोग, तो ये एक वीडियो हमारी आ जाएगी यहाँ पे। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पे हमारी वीडियो डाउनलोड होगी आ चुकी है, थोड़ा सा टाइम लग गया, बट यहाँ पे मैं इसको एक बार प्ले करके चेक करा देता हूँ आपको कि साड़ी वीडियो प्ले हो रही या नहीं। तो आप देख सकते हो गाइस हमारी वीडियो प्ले हो रही है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे ये वीडियो जाना है, इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ले जाना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमारा ओवरले इतना दिखने वाला कुछ, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपना एक टेक्स्ट ऐड करना है, एनिमेटेड टेक्स्ट जो कि हमारा चैनल का नाम है वो ऐड करना है। वो कैसे ऐड करना है, यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने प्लगइन्स के अंदर जाना है, ठीक है। प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको जो ऑप्शन नजर आए गिफी टेक्स्ट, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। गिफी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपने चैनल का नाम दे देना, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ HQ Gaming Studios एंड एंटर कर देना है। तो ये देख सकते हैं हमारे सामने कुछ एनिमेटेड जो है ना वो टेक्स्ट आने वाली, यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आ रहे हैं। तो सपोज कि मेरे को ये वाला पसंद है 3D वाला, ये जो 3D बॉक्स टाइप का नजर आ रहा है, आप लोग कोई सा भी चूज कर सकते हो, या फिर अपना अपना न्यू टेक्स्ट भी क्रिएट कर सकते हो, उसको अपने हिसाब से एनिमेशन भी दे सकते हो। आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है इस वाली वेबसाइट पे, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप लोग एक वीडियो क्रिएट कर सकते हो। बट इसको हमने जब एक्सपोर्ट करना है वो सब का प्रोसेस मैं बताऊंगा कि कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है आपने। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए,
तो जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होती थी या फिर टेक्स्ट शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अगर आप लोगों को ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आता है गाइस, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को लाइक कर देना है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको भी ज़रूरत पड़ जाए कि एनिमेटेड ओवरले कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पे हमारा जो है ना टेक्स्ट एनिमेटेड वाला वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड इसको मैं कर लेता हूँ छोटा। ओके, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। इतना छोटा करने के बाद हम लोगों ने इसको यहाँ पे लाकर रख देना है। थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला ना, है ना। तो ये देख सकते हैं हमारा किस तरीके से जाना बढ़िया वाला जाना टेक्स्ट आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आउट हो जा रहा है। हाँ, अब इतना ठीक है। ओके, तो अब हम लोग ने क्या करना है, अपने वाला PNG ऐड करना है, चैनल का लोगो वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मीडिया के ऊपर क्लिक करना है, जो फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन है मीडिया वाला, यहाँ पे ऐड मीडिया के ऊपर कर देना है क्लिक। देन आप लोगों ने यहाँ पे कर देना है क्लिक टू अपलोड। देन उसके बाद ये वाला मैं अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ क्रॉस एंड देन उसके बाद इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉ कर लेता हूँ। सॉरी, क्या प्लस वाले इस पर क्लिक करके ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोगों ने इसको थोड़ा छोटा कर लेना, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो इतना करने के बाद हम लोगों ने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। मैं इसको यहाँ पे करना हूँ एडजस्ट। आप लोग चाहते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया वाला जो ना वगैरह वगैरह ऐड कर सकते हो, मतलब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। अब इसकी लेंथ मैं कितनी रखता हूँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप। मैं इतनी लेंथ रख लेता हूँ इसकी, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को कर लेता हूँ स्प्लिट। बाकी जो फालतू का पार्ट है इसको मैं कर लेता हूँ स्प्लिट। देन इसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से डिलीट, ठीक है। बाकी इनको भी मैं इंक्रीज करके इस वीडियो के साथ एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये देख सकते हैं हमारा, यूँ समझ लें कि किस्म का छोटा सा ओवरले बन के यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। लेकिन आप लोग यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड जो है ना गाइस, ये वाला ये मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रांसपेरेंट करता हूँ। ट्रांसपेरेंट करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे मेरा जो है ना कर्सर है, देखिए गाइस यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन यहाँ से गायब है, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन कैसे आएगा, हम लोगों ने बेसिकली करना है इसको ट्रांसपेरेंट। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, 720p वाला रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक्सपोर्ट एज GIF, ये GIF ऑफ आवर इवेंट आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो लोडिंग लेने के बाद हम लोग का कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वाटर मार्क भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वाटर मार्क अगर आप लोग नहीं लाना चाहते तो इस एनिमेटेड वाले ओवरले को आप लोग ऊपर तरफ रख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखें गाइस, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया वीडियो को, देन उसके बाद यहाँ पे बैक किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट वाला आ चुका है यहाँ पे। तो आप लोगों ने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देना है। देन उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला पार्ट उठा के आप लोगों ने कर देना है कुछ इस तरीके से ऊपर। मैं इसको यहाँ पे सबसे पहले स्प्लिट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, वीडियो को कुछ इस तरीके से। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा क्यों आप लोगों ने यह करना है। यहाँ पे आप लोगों ने इसको लाकर रख देना है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना टेक्स्ट वगैरह रखना है,
देन उसके बाद वो अपना जो यूट्यूब चैनल का लोगो है यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो वो ओवरले है वो यहाँ ऊपर आ चुका है। ऊपर मैंने इसलिए क्योंकि ये नीचे यहाँ पे वाटर मार्क है, तो हम लोग इसको बाद में क्रॉप भी कर सकते हैं। तो है ना बढ़िया जुगाड़, वाटर मार्क का इलाज भी यहाँ पे दिखाया मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फिर से आप लोगों ने जी आई फॉर्मेट सेलेक्ट करके यहाँ पे गुड क्वालिटी एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट जी आई एफ कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ी लोडिंग लेने के बाद हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/5 डाउनलोड प्रोग्रेस होंगे। तो यहाँ पे 4% हमारा जो कंप्लीट हो चुका है। और ये देख सकते हैं हमारा जो नीचे वाटर मार्क आया था वो यहाँ पे मतलब इसको हम वीडियो एडिटिंग या मतलब इसको हम बाद में क्रॉप भी कर सकते हैं नीचे से, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डाउनलोड का, ठीक है। अब डाउनलोड कैसे करना है, आपने यहाँ पे ऊपर है देख सकते हैं आप लोगों को डाउनलोड फाइल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना है क्लिक एंड यहाँ पे आप लोग ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका है देख सकते हैं, ये तक जी आई एफ फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है, ठीक है। अब गाइस आप लोगों ने क्या करना है, इसको मतलब अपनी किसी भी वीडियो में यूज़ कर लेना है आप लोग, मतलब जस्ट यूज़ करना है आप लोगों ने, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ हमारा दिखने वाला कैसा ये जी आई एफ फॉर्मेट में, ये देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। वो आप लोग स्मोक देख सकते हैं, मतलब किस तरीके से एनिमेट कर रहा है, किस तरीके से मतलब चल रहा है। अब ये जो नीचे वाटर मार्क दिख रहा है ना, इसको आप यहाँ से बड़ी ईजिली क्रॉप कर सकते हो क्योंकि हमारा बैकग्राउंड नेचर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो होप्स हो गया आपको आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल जरूर पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू, टेक केयर गाइस।